आज उनकी आज उनका जन्म दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और स्वामी विवेकानंद से मैं बहुत ही प्रभावित रही हूँ बहुत ही छोटी उम्र से, और उनके सारे जितने भी उनकी किताबें हैं या उनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं, मैं मेरा ये मानना है कि अगर मेरी सफलता का कोई कारण है जो एक प्रोफेशनल लेवल पे जो लोगों को सफलता दिखाई देती है वो तो बहुत ही छोटी एक माइनर सफलता है, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे खुद को बहुत ही सक्सेसफुल एक लड़की मानती हूँ, क्योंकि आई थिंक मैंने ज़िंदगी में जितना बुरा वक्त देखा है या स्ट्रगल देखा है और जितना अंधकार देखा है, उससे मुझे विवेकानंद ने ही उनकी टीचिंग से ही करके मैं बाहर आई हूँ। और आज मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं लोगों को चाहती हूँ कि वो जाने कि विवेकानंद हो गए, चाहे महात्मा गांधी हो गए, चाहे बुद्धा हो गए, ये सब जो है बहुत ही अंडररेटेड है हमारे देश में, कोई इन चीज़ों की सहायता नहीं लेता है। यहाँ इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, मैं कभी कभी आती हूँ, कभी किसी युवा को नहीं देखा यहाँ पे भूले भटके आ जाए। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि किस तरह से इन चीज़ों को एज अ माध्यम की तरह यूज़ किया जा सकता है और एक बेहतर ज़िंदगी, चाहे दूसरों के लिए ना भी करें, अपने लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है। कौन से ऐसी टीचिंग्स हैं जिनसे आप ज़्यादा प्रभावित हैं, कोई एक ऐसा विचार? जी मैं एक तो एक प्रोफेशनल उसके लिए आई थिंक कर्म योग जो है, साइंस ऑफ एक्शन, उन्होंने जो कर्म के जो एक गूढ़ रहस्य हैं जिसके द्वारा आप अपार सफलता को पा सकते हैं, वो बहुत ही प्रभावित कर देने वाले हैं। तो मैं सबसे ये निवेदन है मेरा कि वो छोटी से एक बड़ी बुक भी मिलती है, छोटी भी मिलती है, तो अगर वक्त मिले तो ज़रूर वो पढ़िएगा। ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को। डू शेयर योर फीडबैक्स, कमेंट ऑन आवर स्टोरीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्टोरीज।